और ये जो नेम लिखा है ना मीडिया फाइल्स, या आप एज इट इज भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप मीडिया भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके उस केस में क्या होगा अगर आप कोई मीडिया लिखते हो? हाँ जी मैम, यहाँ पे आप कह रहे थे ना एरर आएगा, एरर नहीं आया। नहीं आया, तो आपने पहले से इंपोर्ट किया हुआ OS को, ठीक है, ठीक है। देखो सबसे ऊपर होगा आपका OS मॉड्यूल इंपोर्ट, अगर नहीं करते तब आना था ये एरर ना, ये OS, ठीक ठीक है। अगर आपने पहले इंपोर्ट किया हुआ है तब भी ये चल जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आपने जाना है urls.py फाइल के अंदर, जो है प्रोजेक्ट की यूरल। और यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे भी ऐड करना है, ये देखो सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है फ्रॉम django.conf.url.static, इंपोर्ट स्टैटिक, ये होता है स्टैटिक फाइल यूज करने के लिए। तो सबसे पहले ये इंपोर्ट करो आप, और उसके बाद फ्रॉम django.conf इम्पोर्ट सेटिंग्स। ये सेटिंग्स को इसलिए इम्पोर्ट किया है कि अगर आप सेटिंग्स के अंदर कोई भी मीडिया फाइल यूज कर रहे हो, कोई भी स्टैटिक फाइल्स यूज कर रहे हो, तो उनको आपने सेटिंग से यूआरएल में कैसे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो वो इम्पोर्ट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग्स इम्पोर्ट किया, क्योंकि सेटिंग्स के जो फीचर्स हैं वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो जी, कर लिया इम्पोर्ट, यस मैम, तो ठीक है। मैम ये सेटिंग भी करनी पड़ेगी इम्पोर्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये सेटिंग्स भी करना है इम्पोर्ट ना आपको, क्योंकि इस सेटिंग्स को हम यूज करेंगे यहाँ पे नीचे, जब आपने स्टैटिक यूआरएल को और मीडिया यूआरएल के रूट को यहाँ पे इम्पोर्ट करना है, ठीक है। तो आपने ये लिखना है इफ सेटिंग्स डॉट डीबग, तो यूरल पैटर्न के अंदर आपने ये मीडिया फाइल्स और स्टैटिक यूरल को इंपोर्ट करना। मैम सेटिंग इंपोर्ट कर दिया, अब क्या करना है? यस ये इंपोर्ट कर दिया सेटिंग्स, मैम, उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ना इफ सेटिंग्स डॉट डीबग, ये देखो जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारा लिखना है आपने, क्योंकि हमने जो स्टैटिक अंडरस्कोर यूरल था और मीडिया अंडरस्कोर यूरल था उसको पाथ हमने कहाँ पे दिया था, सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स को हम इंपोर्ट करेंगे यूरल के अंदर, ठीक है। तो वहां से उसका पाथ गेट कर लेगा स्टैटिक मीडिया का, और बस स्टैटिक डायरेक्टरी और एक मीडिया डायरेक्टरी है दोनों का। हेलो, यस मैम, और किस किसने ज्वाइन किया हुआ है? दीपक ने किया हुआ है, रमन ने किया हुआ है, ठीक यस मैम, हाँ जी, रमन ने भी किया हुआ है। है आपका हो। लिख रहे हैं वो लाइंस। अच्छा, मैं दीपक से पूछ रही हूँ, हाँ जी, मेरा भी हो रहा है। ठीक है।
जी लिख लिया मैम, मीडिया यूआरएल का लिख। अच्छा अच्छा लिख लिया। लिख लिया मैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने model.py फाइल के अंदर जाना है। देखो सबसे पहले आपने सेटिंग्स के अंदर वो करना है जो आपकी मीडिया डायरेक्टरी है और स्टैटिक डायरेक्टरी दोनों का पाथ इंक्लूड करना है। उसके बाद आपने उसी पाथ को इंक्लूड करना है urls.py फाइल के अंदर, और वो urls.py फाइल कौन सी की होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट की जो urls.py फाइल थी उसको ऐप की url फाइल के साथ क्या किया हुआ, लिंक किया हुआ। देखो यहाँ पे लिंक किया हुआ, इंक्लूड किया हुआ ना। तो आपको जो चेंजेस करने हैं आपको सिर्फ प्रोजेक्ट वाले में करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे model.py फाइल के अंदर और यहाँ पे आप बनाओगे मॉडल जिसके अंदर आपका डेट फील्ड होगा और एक इमेज फील्ड होगा, जो हमने ये मीडिया डायरेक्टरी ऐड की है ना इमेज के लिए, ठीक है। तो इमेज ऐड करते टाइम आपने क्या लिखना है, जो उसका फील्ड है इमेज फील्ड, और यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर टू इज इक्वल टू, ये है जो भी आप फोल्डर के अंदर इमेजेस रखना चाहते हो। तो जो आप यहाँ पे फोल्डर का नेम लिखोगे ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जब क्रिएशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो मॉडल बना लो, हाँ जी क्लास मॉडल्स डॉट मॉडल, हाँ जी हाँ जी। देखो जब भी आप मॉडल क्रिएट करते हो ना तो जो मॉडल है वो क्रिएट होता है क्लास कीवर्ड के थ्रू, ठीक है। yes, और यहाँ पे उसकी जो क्लास होती है वो होती है मॉडल्स, उसके थ्रू आप इनहेरिट करते हो मॉडल को। तो जो भी आप फील्ड लिखते हो ना वो मॉडल्स के थ्रू लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड, ये ऑटो फील्ड का मतलब होता है अगर आपने किसी भी फील्ड को क्या बनाना है, प्राइमरी की यूज करते हैं ना टेबल के अंदर। यस मैम, एक टेबल को, हाँ जी, और एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की में क्या होता है आपके पास, उसे यूनिक आईडी मिली होती है। प्राइमरी की के अंदर जो भी फील्ड होता है, अगर आपने बनाया हुआ है प्रोडक्ट आईडी को, तो प्राइमरी की के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो रिपीट भी नहीं हो सकती और ना ही उसे आप नल छोड़ सकते हो, ठीक है। यस मैम, तो ऑटो फील्ड यहाँ पे होता है प्राइमरी की के लिए। और जो यहाँ पे ये डेट टाइम फील्ड है ना, एक तो मैंने डेट फील्ड लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डेट टाइम फील्ड भी लिख सकते हो। डेट टाइम फील्ड आपका आएगा ऐसे, डेट टाइम फील्ड। अगर आप डेट लिखते हो तो वो होता है सिंपल डेट के लिए, अगर आप डेट टाइम लिखोगे तो उसमें टाइम भी इंक्लूड होगा साथ में ना। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये अपलोड अंडरस्कोर टू, ये एट्रीब्यूट आपका, इसके अंदर आप जो भी फोल्डर रखना चाहते हो जिसके अंदर आपकी इमेजेस होंगी वो लिख सकते हो यहाँ पे फोल्डर का नेम, और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा आपका फोल्डर। ओके मैम,
पहले भी ग्रुप था ना, आपने बनाया था वो पाइथन जो कि मैं ना भी चला हाँ जी, बन गया आपका मॉडल? मैं बस लास्ट लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, जब बन जाता ना बता दिया करो, ठीक है? हो गया मैम, मेरे लिखती हूँ। देखो, जो ये नीचे फंक्शन बनाया हुआ है ना, डेफ डेफ, उसके बाद डबल अंडरस्कोर एसटीआर डबल अंडरस्कोर, इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है, और यहाँ पे आपने रिटर्न करवाने सेल्फ डॉट किसी भी एक फील्ड का नेम, जिस भी आप फील्ड का नेम यहाँ पे आप रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका मॉडल अरेन्ज होगा, ठीक है? वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपने मॉडल को किस नेम से आइडेंटिफाई करना है। ओके मैम, ठीक है, तो जब आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा ना तब बताऊंगी ये कहाँ पे आपको शो होगा। जब आपने मॉडल लिख लोगे ना, ये इस कोड के लिख लिया मैं, माइग्रेशंस परफॉर्म करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, हाँ जी। सेकंड कमांड है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, मैनेज डॉट पी
जब आप माइग्रेशन परफॉर्म करोगे ना तो आपके पास क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लिख के आया होगा क्रिएट मॉडल, जो भी आपने मॉडल का नेम रखा होगा। दस मिनट बाद बंद हो जाएगी, आपने दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है? ये मैम क्लास, हाँ जी क्लास ना बंद हो जाएगी 10 मिनट के बाद, आपने दोबारा से ज्वाइन करनी है। ओके मैम, यहाँ पे शायद एरर दे रहा है, लिख रहा है कांट ओपन फाइल मैनेज नो सच फाइल और डायरेक्टरी। मैनेज डॉट पीवाई फाइल नहीं ओपन हो रही, आपका मैनेज का पाथ देखो सही है या नहीं है, यहाँ पे जाओ मैनेज डॉट पी वाई फाइल पे राइट क्लिक करके, यहाँ पे जो मैनेज डॉट पी वाई है ना वहां पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे पाथ वाला ऑप्शन आएगा। करना पाथ आपने बस चेक करना है कि जो आपका पाथ है, जब आप यहाँ पे देख रहे हो देखो ये वाला पाथ, ये जो शो है ना न्यू प्रैक्टिस वन, ये सेम है। User HP PyCharm project new Django one base manage.py मैम यही है, सेम है, सेम है, तब तो सेम है ना चाहिए। मैं फिर से करती हूँ एक बार। आपने जो क्लास ज्वाइन की है लैपटॉप से की है ना? नहीं मैम फोन से, फोन से लैपटॉप ही में है, मैम कर रही हूँ। ठीक है। देखो एक बार चेक करो, ओके मैम, नहीं तो फिर स्क्रीन शेयर करना अगर नहीं होता। दीपक आपका हो गया? नहीं मैम अभी नहीं हुआ। एरर तो नहीं आया कोई? नहीं मैम अभी एरर तो नहीं आया। ठीक है करो। इंडेंटेशन एरर दे रहा है मैम, एक DEF जो हमने एक फंक्शन किया हुआ है ना वहां पे हाँ दे जी रहा है ये एरर, वहां पे क्या एरर आ रहा है? अनएक्सपेक्टेड देखो आपने ऐसे इंडेंटेशन लिखा है, इंडेंटेशन यहाँ पे डबल अंडरस्कोर है, ये जहाँ पे आपने डबल अंडरस्कोर ना तो स्पेस डालने के बाद डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, जी हुआ सॉल्व एरर। मैम जैसे मैंने फिर से पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन लगाई ना, तो अब ये एरर जो दे रहा है आपने माइग्रेशन लिखा है या माइग्रेशंस लिखा है? माइग्रेशन, माइग्रेशन से नहीं चलेगी वो, माइग्रेशंस लिखना है आपको, ऐसा आएगा पीछे। मैम अब चली तो मैम एक एरर दे रहा है, मॉड्यूल जेंगो डॉट डीवी डॉट मॉड्यूल्स हैज नो एट्रीब्यूट डाटा फील्ड।
डेटा फील्ड। एक बार सेंड करना मुझे, व्हाट्सएप पे सेंड करो क्या है। यस हां हां जी देख रही हूँ, एक मिनट। आपने डाटा फील्ड लिखा है, यहाँ पे डेट फील्ड आएगा, यहाँ पे ना आपने डेटा फील्ड लिखा होगा, यहाँ पे डेटा नहीं आएगा, यहाँ पे डेट और साथ में टाइम भी डाल लो ऐसे, ये लिखो ये। डेट टाइम फील्ड, हां जी डेट टाइम फील्ड, आपने डेटा फील्ड लिखा है इस वजह से एरर है वो। ओके हम और देखो, और तो नहीं कोई एरर है बाकी। तो मिनट एक मिनट देखती हूँ मैं। बाकी तो ठीक है। अपनी फर्स्ट कमांड लिखनी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशंस, यहाँ पे पीछे एस भी आएगा, ठीक है। यस मैम। सेकंड कमांड चलानी है पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट। मैम आप ये एरर दे रहा है, इंपोर्ट एरर है, कैन नॉट इंपोर्ट नेम स्टूडेंट्स डाटा फ्रॉम फर्स्ट एप डॉट मॉडल्स। स्टूडेंट डेटा जो पहले हमने एक स्टूडेंट डेटा बनाया था ना, हाँ जी हाँ जी, उसका एरर। तो मैम शायद उसका एरर दे रहा है। अच्छा एक बार सेंड करो क्या एरर है। ठीक है, ये आपका एरर पता क्यों है, आपने जो एडमिन डॉट पी वाई फाइल होती है ना आपकी ये वाली, इसमें आपने इम्पोर्ट नहीं किया। जो आप बनाते हो ना मॉडल, जब तक आप उसे एडमिन डॉट पी वाई फाइल में रजिस्टर नहीं करते तब तक आपका नहीं चलता। तो आपको जो स्टूडेंट वाला है ना आपका, आपको ऐसे इम्पोर्ट डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट जो भी आपके मॉडल का नेम है स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, मेरा तो यहाँ पे नहीं है इस वजह से नहीं आएगा, एरर आएगा मेरा तो। आप यहाँ पे और जो अब मॉडल बनाया ना आपने उसको भी आपने रजिस्टर करना है, प्रोडक्ट्स ने यहाँ पे इंपोर्ट, यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स ही लिखना है। देखो पहले ऊपर इंपोर्ट करना है उसके बाद रजिस्टर करना है। ओके मैम, दोनों को करो उसके बाद माइग्रेशन चलाओ। और नीचे मैम रजिस्टर भी करना पड़ता है ना। हाँ जी, ऊपर इंपोर्ट करना है और नीचे रजिस्टर करना है, और क्लास बंद होने वाली है दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके हाँ जी।